दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों ने शादी रचा ली है और अपने लव पार्टनर के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। जहां ये अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ काफी प्यार से रहती हैं और उनके साथ उनका नोकझोंक वाला प्यार और काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। तभी तो टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा खुश रहती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जो तलाकशुदा होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं। जी हां, और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं टीवी एक्ट्रेस से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन टीवी एक्ट्रेस के बारे में जो तलाकशुदा होने के बावजूद भी जी रही है खुशहाल जिंदगी। नंबर वन, संजीदा शेख। एक हसीना थी सीरियल में अभिनेत्री संजीदा शेख नित्या मित्रा के किरदार को निभाती हुई नजर आई थी और आपको बता दें उन्होंने साल 2012 में आमिर अली से शादी रचाई थी और साल 2021 में इन्होंने इनसे तलाक भी ले लिया है। आपको बता दें कि तलाक लेने के बावजूद भी संजीदा शेख काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर टू, श्वेता तिवारी। कसौटी जिंदगी के सीरियल में प्रेरणा के किरदार को निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री श्वेता तिवारी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बता दें उन्होंने पहले तो अभिनव कोहली से शादी रचाई थी और उनसे इनका रिश्ता कुछ खास नहीं चला, जिसके चलते उन्होंने उनसे भी तलाक ले लिया, जिसके बाद इन्होंने राजा चौधरी से भी शादी रचाई और उनसे भी इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक ना पाया। पर इन्हें अपनी दोनों ही टूटी शादी का कोई मलाल नहीं है और ये अब अपनी लाइफ काफी खुशहाल तरीके से जी रही हैं। नंबर थ्री, जेनिफर विंगेट। बेपनाह सीरियल में अभिनेत्री जेनिफर विंगेट जोया सिद्दीकी के किरदार को निभाकर ज्यादा मशहूर हो गई थी और आपको बता दें ये भी तलाकशुदा होने के बावजूद भी काफी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। इन्होंने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी रचाई थी और शादी के दो साल बाद ही इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया और उन्होंने इनसे तलाक ले लिया, पर इसके बावजूद भी ये काफी खुश है और खुशियों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। नंबर फोर, रश्मि देसाई। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा रश्मि देसाई के बारे में, जो कि उत्तरण सीरियल में तपस्या के किरदार को निभाकर काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी और आपको बता दें इन्होंने भी नंदेश सिंह संधू से साल 2012 में शादी रचा ली थी और साल 2016 में इनसे इन्होंने तलाक भी ले लिया था। जी हाँ, आपसी मतभेद होने की वजह से इन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया और आज तलाकशुदा होने के बावजूद भी अभिनेत्री रश्मि देसाई काफी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर फाइव, उर्वशी ढोलकिया। नागिन सिक्स में अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया उर्वशी के किरदार को निभा रही है और आपको बता दें अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया भी तलाकशुदा होने के बावजूद काफी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। जी हां, इन्होंने भी अपने पति अनुज सचदेवा को छोड़कर आज काफी खुशहाल जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनसे काफी बेहतर और अच्छी जिंदगी उनके बिना जी रही है। नंबर सिक्स, जूही परमार। हमारी वाली गुड न्यूज सीरियल में अभिनेत्री जूही परमार रेणुका मुकुंद के किरदार को निभाकर काफी मशहूर हो गई है और आपको बता दें जूही परमार ने भी अपने पति सचिन अशरफ से शादी करके 9 साल बाद डिवोर्स ले लिया है और आज ही अपने पति को छोड़कर काफी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। अब इन्हें किसी तरह की बंदिशों का सामना नहीं करना पड़ता है और ये अपनी मर्जी से पूरी फ्रीडम के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों, आप इन तलाकशुदा अभिनेत्रियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।